हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल, सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल ऑफ इनक्रेडिबल ट्रैवलर्स। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज शुरुआत कर रहे हैं एक नए दिन की, एक नए ब्लॉग की, अपने एक नए दोस्त के साथ, जो बड़े दिन बाद हमें खोया हुआ दोस्त मिला है। तो चलो, दोस्त है, मिल गया, अच्छी बात है, दोस्त मिलते रहने चाहिए, ज़िंदगी तभी चलती रहती है। तो सीन ये है कि कल रात को पार्टी में जहाँ गए थे, काफ़ी देर हो गई आने में, कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई, सुबह के तकरीबन 2:30 बजे घर आए, तो अपनी भी बैटरी भी डाउन, कैमरे की भी बैटरी डाउन, तो कुछ कर नहीं सके। तो आज तो बेसिकली क्या है, हम जा रहे हैं मायापुरी में, और वहाँ से एक्चुअली गाड़ी की लाइट्स लेनी है। गाड़ी की लाइट बहुत कम है, भाई की होंडा की गाड़ी की, तो थोड़ा सा आगे अगर जो कट आएगा वहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट, तो भाई कह रहा था मैं देखता हूँ वहाँ से अगर लाइटें मिलती है तो ठीक है, अगर यहाँ मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ नहीं मिली तो फिर करोल बाग चक्कर मारेंगे। और ये हमारे मनीष भाई साहब, ये हमारे पुराने दिनों के साथी हैं, इनके साथ हमने बहुत दुनिया घूमी है, बहुत भारत भ्रमण भी हमने इन्हीं के साथ किया है। तो उस टाइम एक्चुअली अपना चैनल था नहीं, अगर उस टाइम चैनल होता तो कम से कम आज मेरी 600-700 वीडियोस होती। चलो कोई नहीं, ना से देर भली, आगे से राइट। तो टाइम है तकरीबन दोपहर के 12:30। तो इनक्रेडिबल ट्रैवलर फैमिली के सभी मेंबर्स को वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो, सत श्री अकाल, छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। तो चलते हैं मायापुरी में और देखते हैं, लाइट मिलती है तो लेते हैं, उसको फिट कराते हैं, नहीं मिल गई तो करोल बाग चलेंगे, मिल गई तो भी चलेंगे कहीं ना कहीं घूमते हैं, भाई आज बड़े दिनों बाद मिला है, तो ठीक है, मायापुरी पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सीधा ना इधर ना, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो बस सीन ऐसा हो गया कि गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये हो गई क्योंकि नॉर्मली हमें शुरू से पता है कि यहाँ पे जो मायापुरी वाली मार्केट है वो सैटरडे बंद होती है, इवन ये पूरा मायापुरी सैटरडे बंद होता है, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि जो कबाड़ी मार्केट है जहाँ पे सारी लाइटें मिलती हैं, सारी एक्सेसरीज मिलती हैं, ये संडे बंद होती है। तो ये तो अपने साथ आज धोखा हो गया। तो देखते हैं, पहले ही अपना प्लान था कि यहाँ पर अगर नहीं पसंद आएगी, क्योंकि लाइटें यहाँ पर महंगी दे रहे हैं, काफ़ी 3,000 रुपये की लाइट दे रहे हैं होंडा में इसकी, और प्रोजेक्टर लाइट इनके पास है नहीं, तो भाई को प्रोजेक्टर लाइट चाहिए थी, वो एक दुकान पे पता करने गए हैं, अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो चलते हैं करोल बाग चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आज मार्केट, ओए सारी मार्केट बंद, दो चार दुकानें जो खुली हुई हैं, सारी की सारी मार्केट बंद पड़ी है। यहाँ से सारी गाड़ियों का सामान मिल जाता है, जो सा भी सामान आपको चाहिए, लोकल हो, देसी हो, इंपोर्टेड गाड़ियाँ हो, कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों का यहाँ से सामान मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टुडे मार्केट इज़ क्लोज, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हो गया। तो चलते हैं अब यहाँ से करोल बाग, वहाँ चल के देखते हैं कि सामान मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ, क्या हुआ? नहीं है। इस पे भी पूछ लो, एक तो भाई का दिल सा टूट गया, बड़ी उम्मीदें लेके आया था। एक्चुअली भाई को ना छुट्टी नहीं मिलती यार, ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत इसके लिए एक अपने आँख में एक टास्क है, ऑफिस की छुट्टी लेना। अब वो मिली नहीं तो ठीक है, एक लाइट नहीं मिली, एक जगह नहीं मिली, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह नहीं मिली, अब तीसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिली। चलो चलेंगे अब करोल बाग, डन। चलो क्या भाई साहब को दिख गया, ब्रेड पकौड़ा और बिना खाए ये रह नहीं पाए। दुकान देखेंगे, दुकान ठीक नहीं है, मैंने कहा भाई दुकान पे मत जाओ, इसके टेस्ट पे जाओ। अपन खाते हैं समोसा और अंदर
लाजवाब, बहुत बढ़िया। सीन ऐसे हुआ कि करोल बाग होके आ रहे हैं वापस, और वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया, मतलब गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। अगर आपने कोई काम कराना है ना तो जगह ही नहीं गाड़ी लगाने की, सामान लो घर जाओ अपने आप कराओ। यार मास्क के साथ ना दिक्कत हो जाती है, मास्क लगाओ तो बोलने में दिक्कत, ना लगाओ तो पुलिस दिक्कत करती है। तो अभी हम धौलाकुआं से मुड़े हैं टुवर्ड्स जनकपुरी, तिलक नगर, कोई भाई को काम निकल आया तो वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा आगे जब आए तो आके देखा, देखो इधर नीचे आपको दिख रहा होगा गाड़ी में आग लग गई थी, मतलब लिटरली जल रही थी गाड़ी। और मैं तो कहता हूँ यार भगवान करे बंदे बच गए हों, और किसी की माल को तो चलो कोई नहीं, जान को कोई ख़तरा ना हुआ हो, सब ठीक ठाक हो, गाड़ी तो चलो फिर भी इंश्योरेंस से आ जाएगी आपको, बट आदमी ठीक ठाक रहने चाहिए। नहीं भगवान सबको बचाना, आगे बामे तो नहीं खड़े, नहीं खड़े। तो अभी चलते हैं तिलक नगर, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम निकल आया। एक्चुअली भाई ने गाड़ी में लगवाई थी CNG, तो वो CNG प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो दिक्कत हो रही है काफ़ी, तो उसी को चेक कराने जा रहे हैं। चेक कराते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई साहब गाड़ी में आग लगी हुई है, पता नहीं भगवान करे बंदे बच गए हैं उसके अंदर से। बीट अरे यार गाड़ी में आग लग गई पीछे इतनी जोर से, देखो पूरे का पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पर। और ये ट्रैफिक इसलिए जाम कर रखा है, जाम नहीं कर रखा बेसिकली रोक रखा है कहीं उसमें ब्लास्ट ना हो जाए। यार भगवान करे बंदे बच गए हों, गाड़ी की तो चलो कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बंदे जो हैं वो बेचारे ठीक ठाक रहें। ये इधर अपना कौन सी जगह, ये कैंट में, ये जो टुवर्ड्स किरबी प्लेस जो करप्पा विहार की तरफ जो सड़क जाती है, जो कि करप्पा विहार के फ्लैट्स हैं उनसे पहले ही आग लगी हुई है। ये है सामने सड़क, ये जब हम नांगल की तरफ से आते हैं और ऊपर को निकलते हैं हम टुवर्ड्स धौलाकुआं, यहाँ पे आग लगी हुई थी बीट में। अरे यार बाबा जी बचाना सबको यार। हाँ जी दोस्तों, आज सारा दिन बहुत घूमे, करोल बाग भी गए, लेकिन करोल बाग में रश इतना था कि कोई सामान समझ में नहीं आया कि कौन सा लें कौन सा ना लें, क्या देखें क्या ना देखें। चार पांच दुकानों पर गए, उनके पास जगह ही नहीं थी गाड़ी लगाने की, इतना रश था। उन्होंने बोला भाई साहब अगर आपको सामान चाहिए ले जाओ, आप मार्केट में कहीं से फिक्स करा लेना,
तो मेरे फ्रेंड ने बोला यार ले जाएंगे, उनसे फिट ना हो फिर वापस आना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम अलग, खर्चा अलग, यहाँ पे दोबारा आएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कल सुबह 9 बजे आ जाओ। तो अब तो भाई की छुट्टी नहीं है, तो भाई को छुट्टी मिलेगी तो भाई जाएगा। फिर हमने रजौरी भी ट्राई किया, तिलक नगर भी ट्राई किया। हाँ थार हाँ डॉगी। तो रजौरी ट्राई किया, तिलक नगर ट्राई किया, लेकिन सेम वही पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो अल्टीमेटली समझ कुछ भी नहीं आया, सारा दिन घूमे फिरे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। और सबसे मतलब डरावनी बात ये हुई, आपने देखा ही होगा गाड़ी में आग लगी हुई थी किसी की, भगवान करे कि वो लोग सुरक्षित हों। तो असल में होता क्या है ना, मतलब आप घर से निकलते हो तो एक्सीडेंट हैपन्स, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, बट फिर भी ध्यान से गाड़ी चलाओ, सुरक्षित जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँचो, वहाँ से सुरक्षित घर पहुँचो, सेफ रहो, सेफ ड्राइविंग करो, बस मैं ये कहना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे जितने भी नए व्लॉग आएंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और कल सुबह से निकल रहे हैं हम एक अपने नए इनक्रेडिबल ट्रिप पे। अभी रात को डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। जाना है ये पक्का है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन कहाँ जाना है ये कंफर्म नहीं है। सुबह निकलेंगे और रास्ते में डिसाइड करेंगे। हो सकता है अभी मेरे को फ्रेंड के यहाँ भी जाना है, शायद वहाँ जाके हम डिसाइड करें कि कहाँ जाना है। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे एक नए टूर में, और सुबह बात करते हैं आपसे। और आपके लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।